थाली का मन था महाकालेश्वर से मंगा लिया। दोस्तों ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और आप लोगों को बता दूं तो ऋतिक रोशन को इस बात के लिए अब माफी मांगने की एक बड़ी गूंज आ रही है। स्वागत है चैनल दिल्ली खजाना में, मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये बात तो हमको पता है दोस्तों कि ऋतिक रोशन जो है वो जोमैटो को आजकल प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जोमैटो को प्रचार प्रसार करते वक्त इस वक्त ऋतिक रोशन जो है थोड़ा सा दोस्तों विवादित हो गए हैं। विवादित इसलिए क्योंकि उनका ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। एक रिसेंट एड आया है जहां पे ऋतिक रोशन ये बात बोलते हुए नजर आए कि थाली मतलब वो वैन में वेट कर रहे होते हैं और उसके बाद जोमैटो वाला आता है तो वो बोलते हैं कि थाली का मन था महाकालेश्वर से मंगा दिया। महाकालेश्वर हिंदुओं का वो पवित्र स्थान है, वो ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, जहां पर लोग श्रद्धा के लिए दूर दूर से आते हैं, वहां पर शिव जी जी को महाकाल को अपना नमन अर्पित करते हैं और साथ ही साथ मतलब इट्स अ वेरी होली प्लेस राइट। ऐसे में अब मंदिर के ही प्रीस्ट पुजारियों ने इस पर आपत्ति जताई है और बोल दिया है कि आप इस तरीके से गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो भगवान के लिए। जोमैटो माफी मांगो, ऋतिक रोशन माफी मांगो। और ये जो लाइन है महाकालेश्वर से मंगाया, ये ऐसा लगता है कि जैसे भगवान से ही मंगवाया है तो इस वजह से काफी ज्यादा इस पे सोशल मीडिया पे हो हल्ला हो रहा है। बॉय और ऋतिक रोशन की इनफैक्ट ये जो आने वाली फिल्म है विक्रम वेधा, इसके लिए भी कहीं ना कहीं बवाल शुरू कर दिया है। आपको क्या है कहना जरूर बताएं। चलता हूं, इजाजत दें।